सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि पहले आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट क्यों आए? बता दें कि हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी और समन को चुनौती दी थी, लेकिन अब लगता है कि हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल से पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते। सोरेन की ओर से पेश हुए अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मामला एक मुख्यमंत्री से संबंधित है जिसे गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि अदालतें सभी के लिए खुली हैं और उच्च न्यायालय संवैधानिक अदालत है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि हाई कोर्ट जल्द आपकी याचिका सुनेगा, हाई कोर्ट भी संवैधानिक कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल को फटकार लगाते हुए कहा, हम आपको सीधे सुनेंगे तो दूसरों को कैसे मना कर सकते हैं। जमीन घोटाले मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद अब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ डाली गई याचिका पर सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भूमि मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी याचिका के साथ झारखंड उच्च न्यायालय जाने को कहा है। इसी बीच जमीन घोटाले में गिरफ्तार हुए झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को एक दिन जेल में बिताना होगा। प्रवर्तन निदेशालय की टीम उन्हें गुरुवार को रांची के पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी। पीएमएलए कोर्ट ने सोरेन को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, उन्हें होटवार जेल में रखा जाएगा। वहीं कोर्ट शुक्रवार को हेमंत सोरेन की रिमांड पर फैसला सुनाएगी। ईडी ने सोरेन से पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी है। ईडी टीम ने बुधवार रात 7 घंटे की पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। सीएम हेमंत ने राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया था। ईडी के अधिकारियों ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि हेमंत ने अपनी गिरफ्तारी टालने का भी पूरा प्रयास किया। यहां तक कि उन्होंने ईडी की ओर से दिए गए गिरफ्तारी मेमो पर हस्ताक्षर करने से मना किया। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद ही उन्होंने मेमो पर दस्तखत किए। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया। आपराधिक मामले में किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के लिए विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति जरूरी होती है। इसके लिए उन्हें सूचित करना पड़ता है। इस प्रक्रिया से बचने के लिए ही ईडी ने सोरेन को पहले हिरासत में लिया और बाद में राज्यपाल के पास ले गए। यहां इस्तीफा होने के बाद ही उनकी गिरफ्तारी हुई। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि जेएमएम के 48-49 एमएलए हैं, लेकिन वो सिर्फ 42-43 का ही सिग्नेचर ले पाए हैं। सीता सोरेन, रामदास सोरेन बैठक में नहीं थे। कांग्रेस के कई नेता बैठक में नहीं थे। मुझे लगता है कि इनके पास एमएलए नहीं है। चंपाई सोरेन के पास बहुमत नहीं है। रांची में सेना की जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन को 7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। राजभवन से ही ईडी के अधिकारियों ने पीछे वाले गेट से निकाल कर ले गए। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।